नमस्कार। हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं पल्लवी शर्मा पेश है अभी तक के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने निकाला 10वीं कक्षा का रिजल्ट, 68.11% रहा परिणाम। हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में फिर बढ़ाई छुट्टियां, सरकार ने जारी किए आदेश। हिमाचल के DGP कुंडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, संपर्क में आए 30 अफसर होम क्वारंटाइन। हिमाचल में मंगलवार को सामने आए 16 नए पॉजिटिव मामले, 437 पहुंचा आंकड़ा। स्वास्थ्य घोटाले को लेकर मचे घमासान के बीच BJP विधायक दल की बैठक कल, कांगड़ा भी होगा डिस्कस। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे को अपने ही इलाके में नहीं मिली एंट्री, क्वारंटीन नियमों का हवाला देकर बैरंग लौटाया। BJP विधायक अरुण मेहरा कूका बोले, नगरोटा में 25 साल तक BJP ना आने की वजह बिरमाणी जैसे लोग, माफी मांगे। सैनिटाइजर व गुमनाम पत्र मामले में सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर किया अटैक, वीरभद्र को लपेटा। बिलासपुर में गाय को विस्फोटक खिलाने के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने शिमला की कालीबाड़ी में पकड़े राजस्थान के दो मजदूर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मंगलवार को शैक्षणिक सत्र 2019-20 10वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 104,000 नियमित छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी, जिसमें से 70,571 उत्तीर्ण हुए। 5,617 छात्रों को कंपार्टमेंट आई है। परीक्षा परिणाम 68.11% रहा है। टॉप 10 में इस बार 37 छात्रों ने स्थान बनाया है। बीते वर्ष 10वीं की मेरिट लिस्ट में 39 छात्रों ने स्थान पाया था। मेरिट में 23 लड़कियां और 14 लड़के हैं। कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा क्षेत्र के समलोटी की कुमारी तनु ने टॉप किया है। ईशान पब्लिक स्कूल हार समलोटी की छात्रा तनु ने 700 में से 691 अंक हासिल किए। दूसरे स्थान पर रहे हमीरपुर के न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर के क्षितिज शर्मा ने 690 अंक हासिल किए। हिमाचल के सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में 15 दिन का और अवकाश घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को 30 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद रहेगी। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी अवकाश रहेगा। हिमाचल के शैक्षणिक संस्थानों में प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच तीसरी बार छुट्टियां घोषित की हैं। 16 मई को लॉकडाउन 4 से पहले ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी करते हुए 31 मई तक छुट्टियां कर दी थी। 30 मई को दूसरी बार छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाई गई। अब मंगलवार शाम को सरकार ने 30 जून तक शैक्षणिक संस्थानों को तीसरी बार छुट्टियां देते हुए बंद रखने का फैसला लिया है। बता दें कि कॉलेजों में दी गई छुट्टियां 10 जून को समाप्त होने जा रही थी। ऐसे में सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद कर दिए हैं। कोविड-19 महामारी के बीच हिमाचल के DGP संजय कुंडू की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले दिन में कुंडू होम क्वारंटाइन हो गए थे। बताया जा रहा है कि वह 1 जून को एक संक्रमित व्यक्ति से मिले थे, जिसकी आज ही कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उसी के चलते ही DGP को क्वारंटाइन होना पड़ा था। वहीं इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर को भी सील कर दिया गया था और उसे सैनिटाइज करवाया गया। इसके अलावा व्यक्ति के संपर्क में आए 30 अफसरों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके बाद एहतियात के तौर पर DGP संजय कुंडू ने अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात की पुष्टि अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान ने करते हुए बताया कि DGP का कोरोना सैंपल लिया गया था और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार शाम 5 बजे तक प्रदेश में 16 नए कोरोना के मरीज आए हैं। सुबह सिरमौर जिले से 8 नए मामले आए हैं। इसके बाद मंडी जिले के सुंदरनगर में व हमीरपुर जिले में झांसी से लौटा 35 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। उधर कांगड़ा जिला में भी 6 नए कोरोना मरीज आए हैं। कोविड केयर सेंटर बैजनाथ में उपचाराधीन 4 कोविड पॉजिटिव नागरिकों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें बैजनाथ के मलेहड़ की एक महिला तथा डंडोल बैजनाथ की एक महिला तथा उसकी बेटी खोली बैजनाथ के एक युवक के सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा 7 दिन के होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश में अब तक कुल 437 मरीज आ चुके हैं। इसमें से 184 मरीजों का इलाज चल रहा है। 4 राज्य के बाहर शिफ्ट हो गए हैं। अब तक 237 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि कोरोना से 5 की मौत हुई है। कोविड-19 के बीच स्वास्थ्य घोटाले को लेकर मचे बवाल व कांगड़ा में बीजेपी के भीतर चल रहे घमासान के बीच पार्टी विधायक दल की एक बैठक बुधवार यानी 10 जून को शिमला में बुला ली गई है। बैठक कल साय 5 बजे होटल पीटर हॉफ में होगी। बैठक की अध्यक्षता CM जयराम ठाकुर करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी मंत्रियों एवं बीजेपी विधायकों से इस बैठक में भाग लेने का आग्रह किया।
हालांकि केंद्र की मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर पार्टी वर्चुअल रैलियां भी कर रही है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत भी कल ही हो रही है। लेकिन इसी बीच हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है, उससे निपटने की रणनीति भी इस बैठक में बनाई जानी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति इस समय प्रदेश का एकमात्र कोरोना मुक्त जिला है। वहां के लोग कोरोना के नियमों को लेकर इतने सख्त हैं कि उन्होंने स्थानीय विधायक एवं जयराम सरकार में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे को ही इलाके में एंट्री नहीं करने दी। स्पीति में नेशनल हाईवे 5 पर ग्रामीणों ने रामलाल मारकंडे के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय महिला मंडलों की सैकड़ों महिलाओं ने रास्ता रोककर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनको वापस जाने को मजबूर कर दिया। महिलाओं का कहना है कि कोरोना काल में नियम सभी के लिए एक बराबर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पीति घाटी के लोग बाहर से कहीं से भी आ रहे हों, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहां के लोग नियम का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता बाहर से लेबर को ला रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी कोई रोक टोक नहीं है और मंत्री खुद भी बाहर से आ रहे हैं पर क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं। बीजेपी विधायक अरुण मेहरा कूका ने अपनी ही पार्टी के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेश बिरमानी जैसे लोगों को नगरोटा बगवा में 25 साल तक विपक्ष में रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बिरमानी जैसे लोग कभी पार्टी के सच्चे हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की वजह से ही नगरोटा में लोग इतने वर्षों तक बीजेपी का नाम बाली जनता पार्टी कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों डॉक्टर बिरमानी ने उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, अगर वह उसके लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि बीते दिनों कांगड़ा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस मीटिंग मसले पर उन्होंने पार्टी सांसद किशन कपूर के लिए बागी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। यह शब्द डॉक्टर बिरमानी के लिए था। अगर सांसद कपूर को इसके लिए बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हालांकि उन्हें हमने बागी कहा ही नहीं। हिमाचल के एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने कोविड 19 के बीच सामने आई सैनिटाइजर व गुमनाम पत्र मामले में जयराम सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भारद्वाज ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह पर भी हमलावर रुख अपनाए रखा। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि सारी दुनिया सीएम जयराम को सर्वश्रेष्ठ सीएम का खिताब दे रही है, लेकिन कांग्रेस राजनीति करने के लिए दोषारोपण कर रही है। उन्होंने कहा कि दोनों ही मामलों में जयराम सरकार ने बिना देरी किए कार्रवाई अमल में लाई है। भारद्वाज ने वेंटिलेटर मामले में कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर दम है तो पत्र ना लिखें, कार्रवाई हम करेंगे। बात को दूसरी तरफ ले जाते हुए उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि बक्कामूला चंद्रशेखर के मामले में उनके यहाँ तो सीबीआई तक की रेड हो चुकी है। बिलासपुर जिला के झंडूता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाने के मामले में आरोपी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले आरोपी नंदलाल को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को मंगलवार को जिला न्यायिक परिसर ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय में पेश किया, जहां नंदलाल को 22 जून तक 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि झंडूता क्षेत्र के डहाट गांव के रहने वाले गुरदयाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए पड़ोसी नंदलाल द्वारा उसकी पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने का आरोप लगाया था और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। वीडियो वायरल होने के बाद 6 जून को झंडूता पुलिस ने गुरदयाल के पड़ोसी नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया और 7 जून को बिलासपुर जिला न्यायालय के सिविल जज के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। कोरोना महामारी के बीच शिमला पुलिस ने बाहरी राज्यों से आए 2 मजदूरों को पकड़ा है। इन दोनों मजदूरों को ठेकेदार काम करने के लिए राजस्थान से लाया था।
सदर थाना पुलिस की एक टीम रात के समय कालीबाड़ी एरिया में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने दो युवकों को कालीबाड़ी में माल रोड की ओर आते देखा। 8 बजे के बाद घूम रहे इन दोनों युवकों को देखकर पुलिस ने संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की और इस तरह रात को घूमने की वजह पूछी। युवकों ने बताया वे राजस्थान के रहने वाले हैं और शिमला में काम करते हैं और संजोली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण पहले वे अपने घर चले गए थे, लेकिन अब ठेकेदार उनको वापस लाया है। पकड़े गए युवकों की पहचान विक्रम और राजेश निवासी हनुमानगढ़ के तौर पर हुई है। पुलिस को दिए बयान में दोनों मजदूरों ने कहा है कि उनको राजस्थान के चुरू का पवन शिमला लाया है। इन्हीं खबरों के साथ आज का रेडियो बुलेटिन यहीं पर खत्म होता है। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।